हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनमें से डार्क सर्कल होना, चेहरे पर कालापन हो जाना, धूप की वजह से स्किन टैन हो जाना, उन्हीं में से एक होती है अंडर आर्म्स का काला होना। अंडर आर्म्स के कालेपन से काफ़ी महिलाएं परेशान रहती है और बहुत बार ऐसा होता है कि उसका कारण भी नहीं पता कि ऐसी प्रॉब्लम होती क्यों है, क्यों हमारी अंडर आर्म्स है वो काली हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जब भी स्लीवलेस पहनने की कोशिश करते हैं तो इतना खुलकर पहन नहीं पाते। ऐसे सोचते हैं कि कहीं हाथ ऊपर करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो कालापन है अंडर आर्म्स का वो दिखाई देगा। तो इस वजह से क्या होता है, अवॉइड करते हैं स्लीवलेस कपड़े पहनना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम या बहुत सारी ऐसी क्रीम आती है जिसको लगा कि आप अपने अंडर आर्म्स को मतलब उसके कालेपन को दूर कर सकते हो, लेकिन इसका कहीं क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं तो केमिकल वाले कोई भी चीज़ लगाते हो तो उसका फ़ायदा होगा तो उसका नुकसान भी होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको केवल ऐसी होम रेमेडी बता रही हूँ जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। उनको अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो स्किन का कलर लाइट होता है, अंडर आर्म्स पे लगाते हो तो अंडर आर्म्स का कलर भी आपका लाइट होता है और कालापन दूर होता है। तो वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम अंडर आर्म्स के कालेपन के बारे में जानते हैं कि ये क्यों हो जाते हैं। इसका अगर हम बात करें तो बहुत बार क्या होता है, रेजर का इस्तेमाल करना बाल हटाने के लिए, रेजर का या सेविंग करते हैं तो उसकी वजह से भी वहाँ पे जो बाल होते हैं वो हार्ड आते हैं और साथ ही वहाँ पे कालापन शुरू हो जाता है। बार बार अगर वैक्स करवाते हो तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। वैक्स, गर्म वैक्स होती है वो अगर आपकी स्किन पर लगेगी तो उसकी वजह से भी आपके अंडर आर्म्स है वो काली पड़ने लग जाती है। हॉर्मोनल इम्बैलेंस यानी कि महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हॉर्मोन्स की समस्या शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से भी उनके ये जो इफेक्ट होता है वो स्किन के साथ साथ अंडर आर्म्स पे भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा जिन लोगों को पसीना आता है, पसीने की वजह से बाहर जाते हैं धूप में और उसकी वजह से जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ही ज़्यादा उनके अंडर आर्म्स पे इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ की स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट, तो पसीने की वजह से जो स्किन होती है अंडर आर्म्स की वो आपस में मिल जाती है और मिलने की वजह से वहाँ पे घाव होने लग जाते हैं और वो जो घाव है कुछ दिनों बाद खुद से ठीक होते हैं। तो घाव तो ठीक हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे उसका कलर यानी डार्क कलर आने लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अंडर आर्म्स के काले होने का। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हो, रोलर जो हम लगाते हैं पसीने की बदबू दूर करने के लिए, उनकी वजह से भी आपके अंडर आर्म्स है वो ब्लैक हो सकती है। तो ये कुछ कारण होती है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। अब जानते हैं कि चलो किसी भी कारण से अब ये काले हो गए हैं तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसको फिर से क्लीन कर सके और वाइट कर सके। तो इसके लिए मैं आपको कुछ होम रेमेडी बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, आपको मार्केट से कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में लाइटनिंग और ब्लीचिंग एजेंट दोनों होते हैं जो आपकी स्किन को लाइट करने का काम करते हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन किसी भी कारण से डल हो गई है, डार्क हो गई है तो इसको लाइट कर देता है। तो अंडर आर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडा काफ़ी कारगर होता है। आपको क्या करना है, एक चम्मच बेकिंग सोडा को एक चम्मच सेब के सिरके में मिक्स करना है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई करना है। कुछ देर तक मसाज कर सकते हो और फिर 5 to 10 minutes उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके अंडर आर्म्स की जो स्किन है वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके अंडर आर्म्स को लाइट करने में। दूसरा है आलू। आलू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। अगर आप आलू के रस का इस्तेमाल अपने स्किन में कालेपन को दूर करने के लिए करते हो, झाइयों को दूर करने के लिए करते हो तो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। उसी तरीके से अगर आप अंडर आर्म्स के लिए भी इस्तेमाल करते हो तो उससे भी बेनिफिट होता है। कैसे इस्तेमाल करना है, आप डायरेक्ट आलू की स्लाइस कट कीजिए और उसके अंदर एक चुटकी भर हल्दी मिक्स लगा दीजिए। हल्दी को अच्छे से उस पर अप्लाई करके अपनी जो अंडर आर्म्स होती है उस पर कुछ देर तक 2 से 3 मिनट तक रब कीजिए। उसका जो जूस है वो डायरेक्ट आपकी अंडर आर्म्स की जो स्किन है उस पर आएगा, वो अंदर तक पेनिट्रेट होगा, अंदर से आपकी डार्कनेस को क्लीन करेगा। और उसके बाद आप कीजिए 10 से 15 मिनट इसको छोड़ दीजिए, ऐसे 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए और फिर
उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट, फिर आप उसको वॉश कर लीजिए पानी से। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हो तो इससे भी आपके अंडरआर्म्स की जो स्किन है वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगी और कुछ ही दिनों में उसका कलर है वो चेंज होने लग जाएगा। इसके अलावा है शहद। शहद हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप स्किन पे शहद का पैक लगाते हो तो वो स्किन ग्लोइंग बनती है और खूबसूरत दिखती है। उसी तरीके से आप अंडरआर्म्स की स्किन पे भी शहद अप्लाई करते हो तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद के अंदर 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करना। नींबू में क्या होता है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो हम नींबू के रस को डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डायरेक्ट लगाने से हो सकता है आपको जलन हो, इचिंग हो, रेसेस भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को। तो उसका जो बेनिफिट तभी है जब हम इसको किसी में मिक्स करते हैं, तो शहद से ज़्यादा अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करना है और इनको अच्छे से मिक्स करके ब्रश की मदद से आप अपने अंडरआर्म्स पे अप्लाई कर लीजिए और फिर इसको ड्राई होने के लिए 10 to 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा अगर आप करते हो तो इससे आपकी स्किन बहुत जल्द लाइट हो जाती है, आपके अंडरआर्म्स का जो कलर है वो चेंज होता है और पसीना भी कम आता है। इस सब के अलावा बेसन, बेसन में एक्सफोलिएटिंग गुण होता है। अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो डेड सेल्स है वो और जितनी भी आपकी डैमेज स्किन है वो रिपेयर होती है। लेकिन बेसन को आप डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, 1 चम्मच बेसन लेना है और 1 चम्मच दही लेना है और दही में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने अंडर आर्म्स के पे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट इसको वैसे ही छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको वॉश कर लीजिए। ये भी बहुत ही फायदेमंद और अच्छा होम रेमेडी होती है अंडरआर्म्स का जो कलर होता है उसको लाइट करने के लिए। एक इसके अलावा भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है संतरे के छिलके। संतरे के छिलकों में भी विटामिन सी पाया जाता है, लाइटनिंग गुण पाया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है। आपको क्या करना है, संतरे के छिलकों को सुखा कर उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लाना है और उस पेस्ट में थोड़ा सा आपको गुलाब जल ऐड करना है और 2 चम्मच आपको दूध ऐड करना है। 1 चम्मच आपको लेना है संतरे के छिलकों का पेस्ट ऐड करना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स पे अप्लाई कीजिए। इससे भी आपके अंडरआर्म्स की जो स्किन होती है वो लाइट होती है और कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जितने भी होम रेमेडी बताई है उससे कोई भी आपकी स्किन पे नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल होती है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ अगर हम हमारी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा पेच टेस्ट कर लेना चाहिए। तो कोई भी इनमें से जब आप ये चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आलू के अलावा दूसरी जो चीज़ें पेस्ट बना रहे हो, पैक बना रहे हो, तो उसको अपने पीछे हाथ के पीछे थोड़ी देर रख के 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई भी इचिंग नहीं हो रही, कोई भी जलन नहीं हो रही, तो आप डायरेक्ट अपने अंडरआर्म्स पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है और बहुत ही नेचुरल होती है। आपको कोई भी महंगी कॉस्मेटिक क्रीम खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।